हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करते हैं हम रास मैकेनिज्म के बारे में। बॉडी में जब भी ब्लड प्रेशर, ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम और जीएफआर का वॉल्यूम डाउन होता है, उससे एक स्टिमुलस जाता है जेजी सेल के पास। जेजी सेल प्रेजेंट होती है किडनी में, जिनसे रिलीज होता है रेनिन। रिमेंबर, इसमें सिंगल एन है, डबल एन वाला डाइजेशन में मिलता है हमें। और लीवर में एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज होता है, जो इनएक्टिव प्रोटीन होता है और ये हमेशा ब्लड में रिलीज होता रहता है। एंजियोटेंसिनोजेन से एंजियोटेंसिनोजेन 1, जो कि इनएक्टिव होता है, कन्वर्ट होता है रेनिन के थ्रू। एंजियोटेंसिनोजेन 1 एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट होता है, जो एक एक्टिव फॉर्म होती है एस के थ्रू। एस लंग्स से रिलीज होता है, एस का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजेन 2 जो होता है, वो एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो ब्लड प्रेशर और जीएफआर को इंक्रीज कराता है। और ये इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम पीसीटी, रिमेंबर पीसीटी से, और स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, जो रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डीसीटी में प्रेजेंट होते हैं, और जो इंक्रीज कर देता है सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी, जिससे इंक्रीज हो जाता है जीएफआर और ब्लड प्रेशर और आयनिक कंसंट्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।